नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेल की तरफ से अपकमिंग G15 लैपटॉप, जिसके अंदर में स्पेसिफिकली आज जो है राइजन वेरिएंट की प्राइसिंग के बारे में बात करने वाला हूं। यहां पे दोस्तों मैंने एक ऐसा वेरिएंट ढूंढ के निकाला है जो कि मुझे लगता है कि एज इट इज आप लोगों को इंडिया में आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस वेरिएंट के अंदर जो है आप लोगों को दोस्तों AMD Ryzen 7 5800H देखने को मिल जाता है, 16GB RAM देखने को मिल जाती है, RTX 3060 देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों यहां पे जो आपको SSD देखने को मिलती है 512GB की कैपेसिटी की देखने को मिलती है। वही नहीं दोस्तों, अगर आप यहां पे स्क्रीन पर भी देखें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों जो इसका पैनल है वो आप लोगों को हायर एंड वाला देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स एन 15.6 फुल एचडी पैनल। यहाँ पे आप लोगों को 165 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 300 निट्स आप लोगों को इसकी ब्राइटनेस देखने को मिलती है। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑन पेपर प्राइस देखें तो इसकी दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगी $1,371। तो एक और चीज यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने लायक ये है कि जो प्राइसिंग आप लोगों को यूएसए की वेबसाइट पे मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक्चुअल खरीदने की प्राइसिंग वो हो। इसके साथ में जब एक्चुअल में जब चेकआउट होता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है और डॉलर्स चार्ज होते हैं, लेकिन उससे जो है हमारा कोई रिलेवेंस नहीं है। यहाँ पे जो है हम रेफरेंस पॉइंट के लिए इसी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। नाउ डेल की दोस्तों एक चीज खास रही है, अगर कोई मान के चलिए दूसरे कंपनी का लैपटॉप होता, अगर मान के चलिए एसूस का लैपटॉप होता, तो मैं आप लोगों को लगभग जो है 20% कीमत देके जो है बता देता, लेकिन डेल के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। डेल के केस में ना जाने क्यों 20% से ऊपर ही जो है आप लोगों को इंडिया में इसकी कॉस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ फ्रेंड्स लगभग 40% जो है इसकी कॉस्ट इंडिया में हाई होने वाली है। तो उस हिसाब से जो है मैं इसकी प्राइसिंग यहाँ पे आपको लोगों को कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो 40% अगर हम इसको हायर प्राइस पॉइंट करते हैं दोस्तों तो ये लगभग हो जाता है $1,920। सो समवेयर इट गोज अराउंड 1,40,000 रुपीज इन इंडिया। एंड फ्रेंड्स ये वाला जो वेरिएंट है मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा वेल बैलेंस्ड वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। कलर की बात करूं तो यहाँ पे एट प्रेजेंट इंडिया में तो सिर्फ व्हाइट कलर का ही लिस्टिंग मैंने देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रीन कलर है और ग्रे कलर है। सो लेट्स होप दोनों कलर जो है इंडिया में आप लोगों को देखने को मिले। तो 1,40,000 रुपीज दोस्तों इस वाले वेरिएंट की मैक्सिमम प्राइस आप लोगों को लगभग देखने को मिल सकती है। मिनिमम प्राइस इट मे गो टू अराउंड 1,28,000 रुपीज। आपका क्या मानना है दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। By the way, दोस्तों आप मेरे इस वीडियो तक यहां तक पहुंच ही चुके हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कुछ बजट लैपटॉप्स के लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पे जाके उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।